जय श्री कृष्ण। भादवा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। ये दिन श्री हरि को समर्पित है। कहते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने मात्र से सारे दुख दूर होते हैं, अनंत फल की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा से राजयोग जैसा सुख मिलता है। इस दिन गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है। कहते हैं जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट खो दिया था, तब श्री कृष्ण ने उनको अनंत चतुर्दशी व्रत करने को कहा था और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से पांडवों को उनका राज्य वापस मिला था। इस दिन श्री हरि की पूजा और कथा सुनने से हर समस्या का अंत हो जाता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसने मन में द्वेष उत्पन्न कर लिया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धृतकीड़ा में हरा कर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपने दुख को कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त होगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा भी सुनाई, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा तथा उसके एक परम सुंदरी धर्म परायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह किया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडल्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं पर उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध कर ऋषि कौंडल्य के पास आ गई। कौंडल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडल्य दुखी रहने लगे और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण जाना। तब सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडल्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट हुए और बोले, हे कौंडल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने उसका पश्चाताप किया
मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। अनंत भगवान की जय।